नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज के स्टूडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो फोटोशॉप के टूल्स होते हैं उसको आप यूज कैसे करेंगे, तो इन्हें के बारे में बताऊंगा। तो सूर्यसागृत के स्टूडियो को आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ CS5 वर्जन का, और आप चाहें तो CS2, CS3, CS4, 5 जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप एडोब फोटोशॉप 7.0 यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि बहुत सारे फीचर्स उसमें नहीं दिए हुए हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि आप CS वर्जन का फोटोशॉप ही यूज करें, क्योंकि इसका जो फीचर है बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दी हुई घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ आप चौकोन रूप से जो टूल दिख रहा है यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मर्की टूल। तो इसका उपयोग क्या है? तो दोस्तों, इसका जो उपयोग है किसी भी फोटो को कहीं से भी कट करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए इस टूल को दिया जाता है। तो जैसे कि हम इस तरह से इसको हम सेलेक्ट करके हम जैसे मूव टूल से इसे हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से अगर आप इसका यूज कर रहे हैं और इसको थोड़ा ब्लर टाइप का सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे PX में कुछ अंक डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 5 PX कर रहे हैं और यहाँ आप सेलेक्ट करके इसको आप मूव टूल से उठा रहे हैं तो इसका आप देख सकते हैं रिएक्शन क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जो है ये ब्लर टाइप का शो कर रहा है। और जैसे कि अगर आप इसको 20 कर देंगे, चलिए देख लेते हैं 20 करेंगे, तो उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये जो है और ब्लर हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको भी देख सकते हैं आप। इस तरह से आप जो है इस टूल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके करके 4 हो जाएगा, इसके अलावा 3 टूल और शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये गोलाई आकार में इसको हम दे सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम इसको हटाना चाहें तो गोल रूप से इसको आसानी से हटा सकते हैं, मतलब इसका जो उपयोग है इसको खास तौर से सिलेक्ट करके उसको हटाने के लिए दिया जाता है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मूव टूल। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम ही मूव टूल है, तो इसको क्या करते हैं जैसे कि हम कहीं पे भी सिलेक्ट कर देते हैं उसको जो है मूव कराने के लिए या हटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम जो है ये वाली पेड़ को इस तरह से काट लेते हैं और उसके बाद हम इसका उपयोग करेंगे तो ये हट जाएगा, मतलब इस मूव टूल का उपयोग ही है कि किसी दूसरे जगह से दूसरे जगह ले आना। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों ये पॉलीगोनल टूल में। तो इसमें जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टोटल 3 ऑप्शन शो कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम लेसो टूल यूज करेंगे तो लेसो टूल का यूज क्या है, तो चलिए इसको मैं अंडू कर दे रहा हूँ पहले। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ को आप काटने के लिए या सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बार दबा के उसको इस तरह से चलाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या है, जहाँ पे भी आप माउस को ले जाएंगे वहाँ ये कट जाएगा इस तरह से। अब इसको जो है मूव टूल के द्वारा आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं या कहीं भी इसको फिक्स कर सकते हैं। ये हो गया। अब आते हैं पॉलीगोनल टूल में। तो दोस्तों, यहाँ इसमें क्लिक करने के बाद अगर आप कहीं पे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको आप आसानी से सिलेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं इस तरह से। अगर जैसे आप कोई सा भी फोटो आप काट रहे हैं या बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप जैसे पासपोर्ट फोटो बनाते हैं तो अक्सर जो है इसी का यूज हम करते हैं। जैसे कि ये वाले पेड़ को हम काट के इतने को कॉपी पेस्ट अगर कर दें और इसको हम डिजाइन के रूप में घुमा दें इस तरह से, इसको यहाँ पे फिक्स कर दें तो इसी के जैसे लगेगा। तो इस तरह आप इसे भी समझ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों मैग्नेटिक टूल। तो दोस्तों, इसका नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक टूल के बारे में। तो इसका उपयोग क्या होता है, जैसे हम मैग्नेटिक टूल में क्लिक करके हम कहीं भी जैसे चलाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये सिलेक्टेड वाली एरिया को ये सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि दूसरी जगह हम चलाना चाहें तो ये खींच लेता है ऑटोमेटिक इस तरह से।
इंटर करेंगे, आप जितने सेलेक्ट किए रहेंगे मूव करेंगे ये हट जाएगा। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक टूल का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों क्रॉप टूल में। क्रॉप टूल आप तो जानते ही होंगे, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। अगर ये क्रॉप टूल का यूज कर रहे हैं तो ये जो है पासपोर्ट फोटो बनाने के लिए अक्सर यूज होता है। तो पासपोर्ट हो गया या तो कोई भी फोटो के लिए ये यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको साइज देना पड़ेगा कि कौन से साइज में आप इसको क्रॉप करना चाह रहे हैं। जैसे कि 30 mm x 40 mm का क्रॉप करना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है फिक्स 30 mm x 40 mm में ही सेलेक्ट होगा। उसके बाद जैसे इंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं आप कि ये 30 mm x 40 mm में ही फिक्स ये क्रॉप हुआ है। तो इस तरह से इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये वाली टूल है हमारा आई ड्रॉपर टूल। इसका आइकॉन भी दिया हुआ है उसी टाइप से। तो इसका उपयोग क्या है कि जहाँ पे भी कुछ भी कलर है उसको हम दूसरे जगह में शो करना चाह रहे हैं तो ये वाली टूल का उपयोग आप कर सकते हैं। अब जैसे कि ये लाइट शो कर रहा है यहाँ पे, जैसे ये लाइट दिख रहा है, तो इसको हम जैसे कि दूसरे कलर में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम उसके लिए अल्ट दबा के यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, सॉरी अल्ट दबाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्रश टूल में जाएंगे, उसके बाद जैसे यहाँ पे चलाएंगे तो ये वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप डार्क में करना चाह रहे हैं तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। उसके बाद जैसे भी आप यहाँ चलाएंगे तो जो कलर आप सेलेक्ट किए थे वही कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि ये डार्क में ब्लू दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करें मतलब भी इस ड्रॉपर टूल से यहाँ पे क्लिक करके हम ब्रश चलाना चाहें तो ये सेम वही कलर यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह से। इस तरह आप इस जो टूल है उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल भी सेम वही है, ये पतला चलेगा। जैसे आप इसको राइट क्लिक करके इसको आप जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा होगा, और जैसे चलाएंगे तो चलेगा वो। तो जैसे कि ये वाइट वाली है तो इसको हम अगर चलाना चाहें तो ये इस तरह से आप चला सकते हैं। इसका उपयोग भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों ये वाले टूल में, इसको हम बोलते हैं स्पॉट हेडलाइन ब्रश टूल। तो दोस्तों इसका उपयोग क्या है कि अगर यहाँ पे चारों तरफ सेम कलर है और इसको आप हटाना चाह रहे हैं, सेम कलर लाना चाह रहे हैं, तो आप इसको ऐसे करके चलाएंगे तो वो जो सेम कलर है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी था पेड़ पौधा या तो जो भी फोटो था वो हट जाएगा। जैसे इसमें हम चलाना चाहेंगे तो देखिए वो हट गया। तो इस तरह से आप इसको इसमें यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम राइट क्लिक करके ये हेडलाइन ब्रश टूल है इसको अगर हम यूज करें तो इसका उपयोग क्या है? तो इसका भी उपयोग है कि अगर अल्ट यहाँ पे हम जैसे कि अल्ट दबा के यहाँ पे हम क्लिक करें, अल्ट यहाँ दबाए हैं और यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम चलाना चाहेंगे तो वही फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पेड़ यहाँ पे आ गया, मतलब उसका कॉपी जो है यहाँ पे बन गया। अब आते हैं दोस्तों पास टूल में। पास टूल के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन और बता देना चाह रहा हूँ कि पास टूल का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसका जो उपयोग है, आप किसी भी फोटो का जो इमेज है या फोटो है उसको आप सिलेक्ट करके किसी दूसरे जगह पे डालेंगे तो वहाँ पे जो भी जगह में आप डालेंगे वहाँ का फोटो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि हम ये सूर्य जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे उसको फोटो को ले आते हैं तो उस कंडीशन में देखते हैं कि एक्शन क्या आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो फोटो हट गया और इसका जो शेडो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसी तरीका से जैसे हम और भी ले लेते हैं, जैसे हम इसको सेलेक्ट करके इसको हटाना चाह रहे हैं तो इसको हटाने के लिए हम खाली जगह में जैसे इसको हम डालेंगे तो वहाँ पर का जो सूर्य का जो वो दिख रहा था शेडो दिख रहा था वो हट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो लाइट कलर में शो हो रहा था वो यहाँ से हट गया है। जैसे और साफ करना चाहें तो इसका यूज करके आप इस तरह से सिलेक्ट करके इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। वैसे ही अगर आप जो है ये वाली जैसे पेड़ है, जैसे पेड़ वगैरह हो गया या तो कुछ चीज़ आप हटाना चाह रहे हैं उसको इस तरह से आप सेलेक्ट करके आप कोई भी खाली जगह में जैसे इसको छोड़ेंगे तो वहाँ का जो फोटो है या वहाँ का जो सीन है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे इसको हम हटाना चाहें तो इसको इतना सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हट जाएगा।
तो इस तरह दोस्तों आप जो है इस टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं और टूल के बारे में बताऊंगा, आज के वीडियो में बस इतना ही रोक दे रहा हूं मैं। क्या ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो देखने में मज़ा भी नहीं आएगा, तो कुछ दिन इंतज़ार कीजिए दोस्तों, अगला वाला जो पार्ट है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ में, कुछ और नई जानकारी के साथ में। तब तक विदा दीजिए, जय हिंद जय भारत।